नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। उरई जालौन में इस्लामिक साल के चवल्लुक माह के बुधवार पर कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कीमती गिफ्ट का वितरण भी किया गया। समाज सेवी यूसुफ अंसारी और प्रोप राइटर यामीन अंसारी ने अपने प्रतिष्ठान रोशनी स्टील फर्नीचर उरई पर किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में रोशनी इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर के यामीन अंसारी और यासीन अंसारी मौजूद रहे। इस दौरान हाफिज सोहेब अंसारी ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम की हदीया की और दुनिया भर के तमाम मजदूरों और कर्मचारियों की तरक्की की दुआ की। जिस तरह हिंदू धर्म विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, उसी तरह मुस्लिम धर्म के लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हदीया कर उनको याद करते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोहे को पिघलाकर औजार बनाए। समाज सेवी यूसुफ अंसारी रोशनी ग्रुप के संस्थापक की मौजूदगी में समस्त कर्मचारियों को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस्लामिक साल के चहलुम माह के बुधवार पर कीमती गिफ्ट और मिष्ठान देकर सम्मानित किया। उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज सेवी यूसुफ अंसारी ने कहा कि आज जब मजदूर और कर्मचारियों को कुछ लोग हीन भावना से देखते हैं, तब समाज सेवी यूसुफ अंसारी हर साल अपने समस्त कर्मचारियों को सम्मानित करते आ रहे हैं। यह एक बड़े गर्व की बात है और इसी के साथ समाज सेवी यूसुफ अंसारी ने बहुत जल्द एक और प्रतिष्ठान रोशनी किड्स कलेक्शन खोलने की घोषणा की। इस दौरान यामीन अंसारी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी असली ताकत हमारा कर्मचारी है, जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन उन्हें सम्मानित करने में मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं वह हमारे प्रतिष्ठान की नींव है, जिनकी मेहनत और पसीने की दम पर हमारे व्यापार की हवेली खड़ी नजर आ रही है। इस मौके पर प्रमुख रूप से मुन्ना अंसारी, संजय सफीक तालिम, सईम अंसारी, छोटू, कृष्ण कुमार, माता प्रसाद सहित 5 दर्जन से अधिक कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से गोविंद सिंह की खास रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।